be fine and safe at your home. Students, once again I am here to teach you math subject. Okay, this is your math book, Learning Math, and today we will continue our second chapter, numbers 1 to 10, and open your page number 25. Okay, अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 25 ओपन करिए. उस पर जो टॉपिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. बच्चों, अब आपको ये देखिए पेज नंबर 20 पे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन. ठीक है, अब मैं आपको नंबर्स का कंपैरिजन कैसे सिखाऊंगी, नंबर लाइन के थ्रू आपको कंपैरिजन सिखाऊंगी. ठीक है, नंबर्स में कि कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी डिजिट छोटी है. ओके बच्चों, ये आपकी नंबर लाइन है. ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक की क्या लिख दी है, नंबर्स लिख दी है. ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको सिर्फ समझना है. ठीक है, अभी सम्स नहीं करने हैं. ये आपकी नंबर लाइन हो गई. वी कैन राइट द नंबर्स 1 to 10 ऑन इट. द नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ ए गिवन नंबर इज लेस देन द गिवन नंबर. एग्जाम्पल बच्चों, अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है 4 lies to the left of 6. अब यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है 4 lies to the left of the 6. 6 जो है, 4 जो है वो 6 के किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे. कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे. बच्चों ये आपका पोर्शन होता है लेफ्ट साइड, एंड ये दिस पोर्शन इज योर राइट साइड. ओके, ये आपका लेफ्ट साइड का पोर्शन है बैकबोर्ड का, एंड ये आपका राइट साइड का पोर्शन है. तो यहाँ पे 4 कहाँ है, 6 के लेफ्ट साइड पे है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इज लेस देन 6. क्यों, क्योंकि जो 4 डिजिट होती है वो 6 के पहले आती है. इट मीन्स 4 जो होता है वो छोटा होता है. ठीक है, 4 कहाँ पे है, 6 के पहले आया है लेफ्ट साइड पे. ठीक है, पहले आया है, इसलिए 4 जो डिजिट होती है वो क्या होती है, 6 से छोटी होती है. ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट आपका लिखा है द नंबर्स टू द राइट ऑफ ए गिवन नंबर इज मोर देन द गिवन नंबर. बच्चों अगर आपको कोई डिजिट दे रखी है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 lies to the right of 5. 8 lies to the right of 5. ठीक है, 8 कहाँ पे है, राइट साइड पे. किसके, 5 के राइट साइड पे क्या है, 8 है. ठीक है, 8 आया है. देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इज ग्रेटर देन 5. ठीक है, 8 जो है वो 5 से बड़ा हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये हमारा जो 8 कहाँ पे आ रहा है, वो 5 के बाद में आ रहा है. नंबर लाइन को ध्यान से देखिए, इस नंबर लाइन में आगे की तरफ ये डिजिट बढ़ रही है ना. देखिए ये 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, और इसके राइट साइड पे क्या है, 8 है. इट मीन्स जो 8 होता है वो 8 जो है वो 5 से बड़ा है. ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आपको नंबर लाइन के थ्रू यहाँ पे समझाया मैंने अभी. ठीक है, अब बच्चों इससे रिलेटेड आपके सम्स हैं, वो सम्स देखिए और वो सम्स करिए. Draw a number line in your notebook using the number line. Put the sign greater than less than in the boxes. बच्चों अभी मैं आपको बुक में करा रही हूँ. ठीक है, नोटबुक की बारी बाद में आएगी, अभी आप लोग अपनी अपनी बुक में फिल करिए. लाइक 4. अब बताइए यहाँ पे 4 बड़ा है या फिर 7 बड़ा है. ठीक है, नंबर लाइन अपनी अपनी बुक में देखिए आप और इसको लिखिए. यहाँ पे 7 बड़ा है. ठीक है, एट इज ग्रेटर देन 3, 4 इज लेस देन 7, 8 इज ग्रेटर देन 3, 6 इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 1. Less than 5.
ग्रेटर देन 8, 7 इज ग्रेट स्मॉलर देन 9। ओके बच्चों, आप अपनी अपनी बुक्स में ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइंस। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, बुक में उसी पेज में जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है राइट द नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू साइंस। ठीक है, इन यहाँ पे आपको नंबर्स मतलब लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, शब्दों में लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, सिंबल्स लगाने और डिजिट लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट आपका डन है। ओके, सेकंड आपको लिखना है, फर्स्ट बच्चों आपका डन है, आपको सेकंड लिखना है। 5 इज लेस देन 6, इसमें क्या करेंगे आप, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका वर्ड्स में दिया हुआ, ठीक है। 5 इज लेस देन 6, इट मींस यहां पे क्या आएगा, 5 इज लेस देन 6। ओके, सेकंड है आपका, सॉरी थर्ड है आपका, 3 इज लेस देन 9। थ्री इज लेस देन 9। टू इज ग्रेटर देन 1। टू क्या है, टू 1 से बड़ा है। ओके, टू इज ग्रेटर देन 1। 7 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 7 इज ग्रेटर देन, इससे बड़ा है 1 से। ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 4। 10 इज ग्रेटर देन 4। 10 क्या है बच्चों, 4 से बड़ा है। ठीक है, किससे बड़ा है, 4 से। 8 इज ग्रेटर देन 7, इट मींस 8 इज ग्रेटर देन 7, 8 जो है वो 7 से बड़ा है। एंड द लास्ट वन इज 4 इज इक्वल टू 4, 4 किसके बराबर है, 4 जो है वो 4 के बराबर है। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है।
ओके चिल्ड्रेन, अभी ये पेज नंबर मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड इससे रिलेटेड जो भी वर्क है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पीडीएफ में सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।